गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं ठंडियाँ आ चुकी है और उसके साथ ही बहुत सारी टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल्स भी आ चुकी हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एकदम मज़ेदार सी चिली पनीर की रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है वो बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा पनीर, इसको मैंने डाइसेस में काट लिया है, और आपको चाहिए मैदा और कॉर्नफ्लावर, फिर आपको चाहिए नमक, काले मिर्च और थोड़ा सा ऑयल फ्राई करने के लिए। तो एक बोल में हम मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर दुगना होना चाहिए जितना हम मैदा लेंगे उससे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है काले मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैं मेज़रमेंट्स वीडियो के एंड में डाल दूंगी। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी तक का बैटर हम तैयार करके रख लेंगे। बैटर बनाने टाइम आप इसे लगातार चलाएं क्योंकि इसमें लम्स आ सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार हो चुका है, बस इसी कंसिस्टेंसी तक का हमें बैटर चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पनीर क्यूब्स। थोड़ा थोड़ा पनीर क्यूब्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कोट करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से कोट करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे और हमारे पनीर के क्यूब्स को ड्रॉप कर देंगे एक एक करके। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस एक लेयर बन जाए तभी तक फ्राई करना है। बस इसी स्टेज तक हम इसे फ्राई करेंगे और अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारा पनीर एकदम रेडी हो चुका है और अब हम इसका सॉस बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें सॉस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए फाइनली चॉप जिंजर और गार्लिक। फिर मैंने यहाँ पे लिया है अनियंस, अनियंस के मैंने बल्ब्स निकाल लिए हैं। फिर आपको चाहिए कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज। कैप्सिकम के बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस काटे हैं और ग्रीन चिलीज को लंबा लंबा स्लिट कर लिया है। फिर मैंने मसालों में लिया है काले मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तभी आप डालें। फिर आपको चाहिए विनेगर, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है कुछ सॉसेस। यहाँ पे मैंने सोया सॉस और केचप यूज़ किया है। आप चाहे तो रेड सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और वाटर की स्लरी बना के रख ली है ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। चिली पनीर का सॉस बनाने के लिए हमें इतने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें ऑयल भी चाहिए सब कुछ फ्राई करने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं चिली पनीर का सॉस। तो एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, पहले उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे फाइनली चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक और अब इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। जब जिंजर और गार्लिक फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन के बल्ब्स और उसके बाद और वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे जैसे कि कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, और इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इन्हें हम क्रंची ही रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा काले मिर्च, फिर इसमें ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर काफ़ी सारा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसीलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक, हम हल्का सा ही नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है।
और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना, और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सो वीडियो के एंड में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लें। और अब हम इसमें डाल देंगे विनेगर या फिर लेमन जूस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अजीनोमोटो। अजीनोमोटो को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं और अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो आप थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर और वाटर की स्लरी, इससे हमारा सॉस थिक हो जाएगा। एक बार बॉईल आने के बाद ये सॉस अच्छे से थिक हो जाएगा, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर क्यूब्स। आप सारे पनीर क्यूब्स ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये चिली पनीर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व करें या फिर एज अ स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।